नमस्कार, खबर मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। चलिए इस बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ करेंगे। तो बड़ी और अहम जानकारी है, इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से, शिवराज कैबिनेट की बैठक जारी है। बड़ी जानकारी है, भोपाल में शिवराज कैबिनेट की बैठक चल रही है। कैबिनेट बैठक में मंत्रियों के साथ चर्चा मुख्यमंत्री लगातार कर रहे हैं। बाढ़ के बाद डटकर काम करना है, ये बात मुख्यमंत्री के द्वारा कही गई है। और सर्वे का काम भी हमको करना है, ये बात सीएम के द्वारा कही गई। हर संभव मदद हम बाढ़ प्रभावितों तक पहुंचाएंगे, ये बात भी मुख्यमंत्री ने इस कैबिनेट बैठक के दौरान कही है। तो बेहद अहम कैबिनेट बैठक जो कि भोपाल में चल रही है। बड़ी जानकारी है, कैबिनेट की बैठक में राहत के काम के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया है, ये बात सीएम के द्वारा कही गई। और टास्क फोर्स में 11 विभाग रहेंगे जिनको जिम्मेदारियां दी जा रही हैं, इनकी जिम्मेदारियों को सुनिश्चित किया जा रहा है। कई जगह पर घर और फसलों को नुकसान हुआ है, सीएम ने कैबिनेट के अंदर इस पर भी चर्चा की। पानी और बिजली की व्यवस्था को ठीक करना है, ये बात भी सीएम ने कैबिनेट बैठक के दौरान कही है। तो बड़ी जानकारी है, कैबिनेट बैठक हुई है, घरों में रखा सामान नष्ट हो गया है और लोगों तक राहत का जो सामान है वो पहुंचाना जरूरी है। समय जरूरत की सारी चीजें बाढ़ में बह गई हैं, भयानक प्राकृतिक आपदा है, ये बातें मुख्यमंत्री के द्वारा आज कैबिनेट बैठक के दौरान कही गई। हमारा वज्र संकल्प है, दृढ़ संकल्प है कि हम लोगों तक मदद पहुंचाएंगे। पानी बिजली की व्यवस्था ठीक करनी है, ये सबसे प्राथमिकता पर काम करना है। लोगों तक राहत पहुंचे ये भी सुनिश्चित करना है और इसके लिए टास्क फोर्स का भी गठन किया गया है। 11 विभाग इसके अंदर रहेंगे, इस टास्क फोर्स के अंदर, जो कि इन तमाम स्थितियों पर बारीकी से नजर रखेंगे। तो कैबिनेट बैठक जिसके अंदर इन महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई है, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं भोपाल से, जहां पर बाढ़ और उसके बाद बने हुए हालातों को लेकर के चर्चा की गई, समीक्षा हुई और इसके अंदर किस तरीके से लोगों का राहत पहुंचाई जानी है, लोगों को कैसे इस आपदा के समय में जो तमाम जरूरत के सामान है वो उपलब्ध हो सकें, इन सब पर आज फोकस रहा इस कैबिनेट बैठक के अंदर। और मिशन मोड पे कैसे काम करना है इस पर भी आज चर्चा कैबिनेट बैठक के अंदर की गई है। इस समय लोगों तक राहत पहुंचाना यह हमारा दृढ़ संकल्प है, ये बात मुख्यमंत्री ने कैबिनेट बैठक के अंदर कही है। तो बेहद अहम भोपाल से जानकारी है, शिवराज कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई है, मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चर्चा की है, जिसमें बाढ़ और उसके बाद के हालातों को लेकर के चर्चा की गई, समीक्षा की गई है। बाढ़ के काम और बाढ़ के बाद डटकर उसका मुकाबला हमको करना है, सर्वे का काम करवाना बहुत जरूरी है क्योंकि नुकसान कितना हुआ है उसका आकलन बहुत जरूरी। बड़ी और अहम जानकारी और बातचीत करेंगे ब्रजेश जैन हमारे साथ, हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। ब्रजेश, आज कैबिनेट बैठक हुई है बेहद अहम, जिसके अंदर बाढ़ और उसके बाद के हालातों को लेकर के समीक्षा की गई, क्या जानकारी इस बैठक को लेकर के? देखिए, लगातार ये बैठक पिछले एक घंटे से मंत्रालय में जारी है, मुख्यमंत्री कैबिनेट की बैठक ले रहे हैं, कुल मिलाकर बाढ़ और राहत के बचाव कार्य की समीक्षा कर रहे हैं। उसमें सभी मंत्रियों से चर्चा की जा रही है कि कहां कितनी राहत जनता को बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में दी जा सकती है, इसके लिए लगातार चर्चा जारी है। और अभी अभी अपडेट आया है कि 11 विभागों को मिलाकर एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है। तमाम 11 विभागों के अधिकारी और मंत्रियों को ये जिम्मा दिया गया है कि वो अपने अपने डिपार्टमेंट के कामों को स्थानीय स्तर पर मौजूद रहकर बाढ़ग्रस्त इलाकों में देखें और जल्द से जल्द जो व्यवस्थाएं, चाहे वो स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं हो, बाढ़ के बाद आने वाली महामारियां हो, बिजली की व्यवस्था हो, मकान की व्यवस्था हो, तमाम जो व्यवस्थाएं, खाने पीने की व्यवस्थाएं हैं, रोल लोगों के रहने की स्थायी व्यवस्थाएं हैं, इन तमाम व्यवस्थाओं को देखने के लिए, जो पुल पुलिया सड़क नाले टूटे हैं बाढ़ से, उन तमाम व्यवस्थाओं को देखने के लिए ये 11 विभागों की एक टास्क फोर्स बनाई गई है। और मुख्यमंत्री लगातार ये अपडेट दे रहे हैं, थोड़ी देर में जो है मुख्यमंत्री ऐलान कर सकते हैं कुछ विशेष पैकेज सरकार की तरफ से, राहत पैकेज की यहाँ घोषणा थोड़ी ही देर में की जाएगी, जिस पर अभी फिलहाल प्रेजेंटेशन मंत्री समूह का जारी है। ब्रजेश, इस टास्क फोर्स के बारे में थोड़ा और बताएं, क्या इस विषय में और कोई जानकारी मिल पाई है? दरअसल ये जो 11 सदस्यीय टास्क फोर्स है, किस तरीके से काम करेगी और क्या इसमें प्रायोरिटी निर्धारित की गई है कि हमको प्राथमिकता के आधार पर अभी फोकस किस बात पर करना है? ब्रजेश, क्या जानकारी है? टास्क फोर्स बनाया गया है, इसमें पीएचई, पीडब्ल्यूडी, स्वास्थ्य, गृह और जो बिजली डिपार्टमेंट है वो, कृषि डिपार्टमेंट और तमाम जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनको मिलाकर, प्रमुख डिपार्टमेंट है उनको मिलाकर ये टास्क फोर्स बनाया गया है। तमाम मंत्रियों को कैंप करने का कहा गया है कि वो जो बाढ़ग्रस्त इलाके हैं, चाहे वो शिवपुरी हो, शिवपुर हो, चाहे मुरैना के गाँव हो, वहां पर कैंप करें, हफ्ते 15 दिन वहां पर रहें और लोगों की समस्या, परेशानियां जो भी आ रही हैं अपने अपने विभागों की वो दूर कराएं।
जो फसल बर्बाद हो गई है उसके लिए भी सरकार एक रिव्यू कर रही है, देख रही है, आकलन लगा रही है कि कितना नुकसान कितने हेक्टेयर की फसल का हुआ है और उसके लिए कितना राहत पैकेज अलग से दिया जाना है। फिलहाल जो लोगों के घर बह गए हैं उनको सीएम ने ऐलान किया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में जल्द से जल्द उनको राहत राशि दी जाए ताकि वो अपने नए मकान बना सके। इसी तरीके की तमाम व्यवस्थाएं 11 विभागों के जरिए सरकार करने की कोशिश कर रही है। बहुत शुक्रिया ब्रजेश इस बातचीत और जानकारी के लिए। तो कैबिनेट बैठक अभी भी जारी है जो जानकारी हमारे सहयोगी ने दी है और अभी बाढ़ को लेकर के किसी पैकेज का भी ऐलान हो सकता है, इस पर भी अभी चर्चा चल रही है और ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि देखना यह है कि आज बाढ़ पैकेज को लेकर के भी क्या ऐलान आज इस कैबिनेट के बाद मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है, क्योंकि राहत और बचाव काम के बीच में लोगों तक मदद पहुंचे, लोगों को आर्थिक तौर पर भी किस तरीके से मदद पहुंचाई जा सके ताकि उनकी जो गृहस्थी नष्ट हुई, जिनके मकान नष्ट हुए, जिनके खेत खलिहान में खड़ी हुई फसलें नष्ट हुई हैं, उन सबको किस तरीके से अब सरकार राहत पहुंचाती है उस पर भी चर्चा इस कैबिनेट बैठक के अंदर चल रही है। तो बेहद अहम है ये बैठक क्योंकि बाढ़ के बाद जो हालात बने हुए हैं उसकी समीक्षा लगातार मुख्यमंत्री के द्वारा की जा रही है।